मेरा फोबिया है मेरा बुढ़ापा। हाय, मुझे बूढ़ा नहीं होना। इयर्स निकल गए, पता भी नहीं चला। अब तो हर वक्त सोचते रहो डेंटिंग पेंटिंग के बारे में। डेंटिंग पेंटिंग करनी पड़ती है ना, अब 15 दिन के बाद टचअप करना पड़ता है। और सुबह उठ के ही दिमाग में आती है बात, अच्छा छुरियाँ शुरू हुई। सोचती हूँ 1 साल बाद। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? एक्चुअली एक एक दिन का गैप हो रहा है मेरे व्लॉग में, इसलिए आपका हाल चाल पूछना ज़रूरी है। थोड़ा सा डिस्टर्ब तुषार की तबीयत की वजह से। अब तुषार मच बेटर है, तो अब कोशिश करूँगी कि डेली ब्लॉग डालूँ। जो मेरे सब्सक्राइबर हैं या जितने भी लोग मुझे देखते हैं, वो मेरा ब्लॉग ढूंढते हैं, मुझे पता है। तो दोस्तों, निराश नहीं होना, मैं डेली ब्लॉगिंग ही करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे ब्लॉगिंग करना अच्छा लगता है और मैं इसको इंजॉय कर रही हूँ। लाइक बटन नहीं दब रहे हैं अभी भी। अभी आपका थंब मेरे ख्याल से ठीक नहीं हुआ पूरी तरह से। दोस्तों, और एक बैठ पहुँची कि नहीं पहुँची? तो चलिए, जुड़ जाइए, देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए और ज़िंदगी को जीते रहिए। स्प्रिंग में देखो कैसे सारे प्लांट्स हरे भरे हो गए। सर्दियों में तो मेरे ख्याल से सारे के सारे ऐसी टेढ़ी मेढ़ी शक्लें से बना रहे थे, अब धीरे धीरे सब ठीक होते जा रहे हैं। प्लांट्स में जान आती है तो मेरी जान में भी जान आ जाती है। बहुत सारे लोग होंगे जिनको ना अपनी गार्डनिंग से बहुत प्यार है, उनमें से मैं भी एक हूँ। मुझे अपनी गार्डनिंग से बहुत ज़्यादा प्यार है। भिंडी काट रही थी, सोचती आज भिंडी बना लूँ। ये देखो काट रही हूँ भिंडी। सोचा भिंडी काटते काटते आपसे बतिया लूँ। इतना सारा भी टाइम नहीं होता ना फालतू मेरे पास कि मैं हमेशा बतियाती रहूँ। ज़िंदगी में हर किसी का एक फोबिया होता है, ऐसे मेरा भी था और है ही कह सकती हूँ। मेरा फोबिया है मेरा बुढ़ापा। जब मैं बहुत यंग थी तभी भी मैं यही कहती थी, मुझे मुझे बुढ़ा नहीं होना, मुझे बुढ़ा नहीं होना। जवानी के वो पल, हमारे गोल्डन ईयर्स निकल गए, पता भी नहीं चला। अब तो हर वक्त सोचते रहो डेंटिंग पेंटिंग के बारे में। डेंटिंग पेंटिंग करनी पड़ती है ना, अब 15 दिन के बाद टचअप करना पड़ता है। और सुबह उठ के ही दिमाग में आती है बात, अच्छा छुरियाँ शुरू हुई। सोचती हूँ 1 साल बाद छुरियाँ शुरू होगी, शायद 2 साल के बाद शुरू हो जाए। सोचती हूँ हाय, कल परसों से छुरियाँ तो नहीं शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, ये फोबिया ना मुझे जीने नहीं देता। खुद को ऐसा कोई शौक नहीं है मुझे कि मैं बड़ा बना ठना के रखूँ। मैं जैसी नेचुरल आपके सामने आ जाती हूँ, लेकिन दोस्तों मैं क्या करूँ, मुझे बहुत डर लगता है कोई मुझे बचाए बूढ़ा होने से। मैंने भगवान से हमेशा ये मांगा है, भगवान जी मुझे बुढ़ा नहीं होना, मुझे बुढ़ा नहीं होना, मुझे बुढ़ा नहीं होना। लेकिन क्या करूँ, ज़िंदगी का प्रोसेस, तो ज़िंदगी का प्रोसेस तो चलता रहेगा। जब मैं स्माइल करती हूँ ना, तो मेरी उम्र 15 से 20 साल कम हो जाती है। तो दोस्तों, रामबाण इलाज है मेरे पास, मेरी कॉलगेट वाली स्माइल। तो जब तक रहूँगी इस दुनिया में, स्माइल करती ही रहूँगी। तो आ जाओ दोस्तों, बनाते हैं यम्मी भिंडी। तो देखो, मैंने फटाफट 2 पैन चढ़ा दिए हैं गैस पे। दोनों पैन में मैं सरसों का तेल डाल रही हूँ। इसमें थोड़ा सा डाला है और इसमें ज़्यादा डाला है। भिंडी मैंने ऐसी ना लंबी लंबी काटी है और प्याज मैंने ऐसे काटे हैं। ये 300 ग्राम भिंडी है और ये 2 बड़े प्याज हैं। और भिंडी में डलेगा ये थोड़ा सा बेसन, ये 1 चम्मच भर के बेसन है। और ये 2 टमाटर की मैंने मिक्सी में पीस कर प्यूरी बना ली है। भिंडी में सबसे पहले डलेगा मेथी दाना और साबुत धनिया। उसके बाद मैंने स्वादानुसार नमक लिया है, हल्दी ली है, लाल मिर्ची पाउडर लिया है और धनिया पाउडर लिया है, गरम मसाला लिया है ना। कुछ हरी मिर्चें मैंने ऐसे काट के लंबी लंबी काट के रख ली हैं। इससे पहले इस बेसन को भिंडी में डाल दिया है और अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। इसका फ्लेम फुल पे है और इस भिंडी को मैंने डाल दिया तेल में। तेज फ्लेम पे ही मैं इसको सौटे कर रही हूँ। दूसरी तरफ मेरा तेल गर्म हो गया और इसमें मैं डाल रही हूँ ये टमाटर, इसकी मैंने प्यूरी बना ली थी। दोनों तरफ मेरे हाथ चल रहे हैं। भिंडी को मैंने अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन कर लेना है और टमाटर के पानी को बिल्कुल सुखा देना है। ये बीच में ही मैंने हरी मिर्चें भी डाल दी है। थोड़ा सा सौटे करने के बाद इसमें थोड़ा सा नमक स्प्रिंकल कर देना है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। फ्रेंड्स, भिंडी ऐसी सब्जी है जिसको बिल्कुल सिम पे नहीं पकाना चाहिए और मेरे ख्याल से उसको बिल्कुल ढक के नहीं पकाना चाहिए। मरी मरी भिंडी तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। भिंडी अच्छी लगती है थोड़ी सी करारी सी हल्की। भिंडी को ना मैंने थोड़ा सा साइड पे कर दिया और बीच में जगह बना दी है। और बीच में इस जगह पे मैं डालूंगी मेथी दाना, साबुत धनिया और ये थोड़ी सी हींग।
और इसको तड़का लेंगे पहले, उसके बाद भिंडी में मिक्स कर देंगे। आप भिंडी को फ्राई करने से पहले भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा ऐसे डालती हूँ क्योंकि मेरी भिंडी थोड़ी होती है। अगर ज़्यादा भिंडी हो तो पहले तड़का लेना चाहिए। दोस्तों मेरी भिंडी कुछ इस कलर में आ गई है और अब मैं इसको निकाल दूंगी पेपर नैपकिन के ऊपर। देखो मैं मानती हूँ कि तेल घी महंगा आता है, उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन दोस्तों टेस्टी सब्जी बनानी पड़ती है तो थोड़ा तेल घी ज़्यादा डालना पड़ता है। लेकिन हमारा पेट जो है ना वो डस्टबिन नहीं है, इसलिए हम लोगों को उस तेल को अपने पेट में डालने की ज़रूरत नहीं है। अब वेस्ट हो गया तो हो गया। और अब मैं सारे के सारे अले नमक, हल्दी, लाल मिर्ची, गर्म मसाला और धनिया पाउडर इसमें डाल दूँगी। सॉटे कर दिया है इसको मैंने। अब इसमें ये वाले कटे हुए प्याज डाल दूंगी। फ्लेम मेरी हाई पे ही है। अमचूर डलता है इसमें, लेकिन मेरे को अमचूर डालना ना पर्सनली किसी भी चीज़ में मेरे को पसंद नहीं है, तो मैं लेमन ही डालती हूँ, लेमन डाल देती हूँ। मैंने पैन चेंज कर लिया है, वो थोड़ा चौड़ा नहीं था, ये थोड़ा चौड़ा पैन है तो इसमें ज़्यादा अच्छे से सॉटे हो रहा है। 5-6 मिनट मैंने सॉटे कर लिया है और ये मेरे प्याज मेरे हिसाब से जितना मेरे को चाहिए क्रंची उतने तैयार हो चुके हैं। और अब मैं इसमें ये वाली भिंडी डाल दूँगी और इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। ये है मेरी यम्मी प्याज और भिंडी की सब्जी। इसको परौंठी के साथ तो बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगती है, चपाती के साथ भी अच्छी लगती है। साथ में कुछ ना लें, सिर्फ दही लेने या दही रायता लेने, बस भिंडी और प्याज की सब्जी खाएं और थोड़ा थोड़ा मुस्कुराएं। गैस करती है बंद। कपड़े चेंज करने लगी थी, मैंने कहा थोड़ा सा मार्केट तक हुए हूँ तो तुषार के आने के बाद मेरा साइज चेंज हो गया है। थोड़ा सा साइज़ बढ़ गया, मैं पतली हो गई थी, 1 इंच मेरा नाप इधर से उधर हो गया। अब कितना मैस फैला दिया मैंने ये सारा ट्राई कर करके। लास्ट में ये काफ्तान डाल दिया मैंने। सर को रोका नहीं, उसको घर भेज दिया। अब ये रिक्शा में बैठ के मैं जा रही हूँ शॉपिंग करने किताब्स के लिए, सकल बदले। हिताक्ष के लिए देखती हूँ क्या लेना है। ये तो बहुत ही बेबी है, बेबी बियर है। गर्ल्स का है, बॉयज का। टैक्सी के लिए जो ड्रेस इनकी ले ली है, आप यहाँ पर गिफ्ट रैप करवाने के आए होंगे। फर्निशिंग छोटी सी वीडियो में ना सारी शॉपिंग दिखा सकती, अच्छा सारा मॉल तो दिखाई नहीं सकती ना, मजबूरी है मेरी। लाल तेरा डेली का धंधा शुरू हो गया, गेम खेलने वाला। मारा उसे मैंने। हैं? एनिमे डाउन किस, इसने एनिमे डाउन कब किया है? ये मामा मैं गंदा दिख रहा हूँ, भग गई, भग गई हूँ मामा, गंदा दिख रहा हूँ, आपको पता है ये चीज़? गंदा दिख रहा है? हमने गंदा नहीं दिख रहा, बहुत अच्छा दिख रहा है। टुक टुक भाईटी आगे ना जाइए, टुक 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 टुक, मिली नहीं करी पापा से, गधे हम अच्छे मिली नहीं करी, मैं अच्छे मिली नहीं करी। यार तू लो होता ना तो हील कर, हील कर, हील कर। छोनो कोई बात नहीं, मार दिया तो ठीक है, दूसरे को तो मार देना। ओए 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 ये कौन सी जगह मम्मी के पत्थर में की है? ये कहाँ पे मम्मा पे चढ़ गया है? नहीं बैग है, प्यार करके चली गई है मुझको।
मम्मी है तो मेरी। चेक कर, तेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है? मैं लेकर आई हूँ नीचे के लिए। मैं कर दूंगी, तू बस देख ले। सही, तेरा लार्ज लेके आई हूँ, बड़ा तो नहीं होगा? नहीं, लार्ज बड़ा कैसे होगा? मीडियम तो नहीं हो गया तेरा किंग पर साइज? और तेरा क्या बोलते हैं, 32 वेस्ट है ना? 32 वेस्ट लाई हूँ, ट्राउजर और तेरा शॉर्ट्स लेकर आई हूँ। जब से बीमार हुआ तब से शायद बढ़ गया होगा। बढ़ गया हो? ठीक है, जॉगर्स टाइप चली है ना ये? हाँ, जॉगर्स नहीं है ये, वैसे जॉगर्स टाइप चला है ये। भाई को बहुत अच्छी लग रही थी। विशु ऐसे स्टाइल का पहनता है ना, विशु शॉर्ट्स तेरे को पसंद आया? अच्छा हाँ, सही है, डालता नहीं हूँ ऐसे शॉर्ट्स ज़्यादातर। ये अच्छी लगी मेरी शॉर्ट्स। अरे ये तो बड़ी सुंदर है, मेरे को अच्छी लग रही, कलरफुल। तू मेरा छोटा सा बच्चा लगेगा मेरे को, तक्षी जैसा, तो इसलिए मैं ये लेकर आई। मैंने तो शुभ नहीं लिया। क्या ये? ये टाकू है। फ्रेंड्स, गधे के साथ आज मैं अपने इस ब्लॉग में एंड कर रही हूँ। कल मिलती हूँ आपसे। मम्मा मुझे टिश्यू दे दो। मैं साथ क्या, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, लव यू ऑल।